श्री कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जो है हमारा जनवरी का जो करंट अफेयर है उसका पार्ट सेकंड जो है इसमें कवर करेंगे। पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दी थी ग्रुप में, अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। कंप्लीट 6 महीना करंट अफेयर डाल दिया गया है और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डेली हम एक वीडियो डालेंगे करंट अफेयर पे, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट सेकंड जनवरी के करंट अफेयर का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक, और अगर वीडियो को आप लाइक कर दोगे तो हमें इससे जो है बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और कमेंट जरूर करें जो भी कुछ भी अगर ऐसा है आपको किसी और विषय पे वीडियो चाहिए या पीडीएफ चाहिए। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम आप तक जो है पूरी हेल्प पहुंचा पाए जिस तरह की हमारी हेल्प कर सकते हैं आपकी किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जनवरी का जो है पार्ट टू है, ये पार्ट वन पहले जा चुका है इससे। असम सरकार ने जिससे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है, रतन टाटा को किया भाई। ठीक है, नेक्स्ट, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने रियासी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है, ये है कौन सा है, जम्मू कश्मीर के अंदर है ये। ठीक है, उसके बाद हाल ही में जिस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है, किसने की भाई, केरल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वो कौन सा देश है भाई, भारत। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 25 जनवरी को। भारत में हर साल 25 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। मैं आपको बता दूं एक बात कि प्रथम जो है भारत वो है किसमें, किसके उत्पादन में है, दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम है। ठीक है, और फल और सब्जी में द्वितीय है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो यूरिया ये पेस्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं सॉरी, इनके उत्पादन में तृतीय नंबर पे, तीसरे नंबर पे भारत, ये आप ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी के ने अपनी टीम का नाम जो रखने की घोषणा की है वह लखनऊ सुपर जॉइंट्स। ठीक है, ये लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम रखने की घोषणा की है। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की जिसे चुना गया है वो है स्मृति मंधाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो पॉइंट है आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जिस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है, तो विक्रम सोलंकी ने छोड़ दिया भाई, कौन सा पद छोड़ा है, हेड कोच का। ठीक है, उसके बाद नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, शिंजो आबे। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य के मंगलुरु के गंजी मठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है वो है कर्नाटक। उसके बाद पाकिस्तान के जिस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, मोहम्मद रिजवान को, पहले भी आ चुका ये पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, 24 जनवरी को, इसको 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के जिस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है सुभाष भौमिक, ये पूर्व फुटबॉलर एवं कोच थे। ठीक है, भारत में हर साल 24 जनवरी को जिस दिवस को मनाया जाता है ये मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय बालिका दिवस। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां जिसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, किनकी की जाएगी, सुभाष चंद्र बोस की भाई। इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है, कितने जिलों के, 13, लो भाई 13 जिले नए बनेंगे, कहां बनेंगे, आंध्र प्रदेश में। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा टी20 रैंकिंग में जो महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है वो है भाई शेफाली वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है, कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलीता को। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 9%। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में जिस देश को 85वां स्थान मिला है, ये मिला है भारत को। ठीक है, ये पीछे आई थी खबरों में सीपीआई के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, जो विश्व बैंक ने जिस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान की है,
तो पश्चिम बंगाल के लिए किया है, 1,000 करोड़ मिलेगा पश्चिम बंगाल को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल फुल फॉर्म ठीक है एचपीसीएल की, के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है पुष्प कुमार जोशी को, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है मिलिना साल्विनी ठीक है। ये क्या थी, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था इनको, कथकली की जो थी नृत्यांगना थी, ये कथकली की प्रसिद्ध थी भाई, जानी जाती है इसके नाम से। हाल में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए जिस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है, तो भाई ये है आपका मेघालय। उसके बाद नेक्स्ट है 28 जनवरी 2022 को जिस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती है, वो थी लाला लाजपत राय जी की ठीक है, जिनकी मृत्यु अंग्रेजों के समय में हुई थी, उनको लाठियों से पीटा गया था ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद ही भगत सिंह ने जो है बहुत बड़ी क्रांति शुरू की थी। प्रसिद्ध पुरातत्व और जिस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद विभूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया, वो कहां से थे भाई, तमिलनाडु से ठीक है, उनका निधन आ गया। कई बातें आ गई इसके अंदर, वो थे पद्म भूषण मिला हुआ था उनको, और पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे वो, और 23 जनवरी 2022 को उनका चेन्नई में निधन हुआ था। तो एक ही लाइन के अंदर कई क्वेश्चन आ गए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे घुमा फिरा के। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में जितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है, 1 अरब डॉलर की भाई निवेश हो गया इसमें एयरटेल में सॉरी। डेटा गोपनीयता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 28 जनवरी को भाई, डाटा प्राइवेसी डे। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में जितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है, 72,000 करोड़ की शुरुआत की है भाई, 72,000 करोड़। राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये लो भाई ये फिर आ गया है, दोबारा रिपीटेशन हो गया है, 24 जनवरी को। हरियाणा और जिस सरकार की सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते का हस्ताक्षर किए हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ किए भाई, किस किसके बीच हुए, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में, कहां हुआ है, यमुनानगर में बांध बनाने के लिए, कब हुआ, 21 जनवरी 2022 को। जिस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है भाई, पाकिस्तान की ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जिस तारीख तक बढ़ा दिया है, वह भाई 31 मार्च 2025 तक। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि REDA में जितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है, 1500 करोड़ रुपए के निवेश को भाई। तो उसके बाद 2021 में भारत और जिस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा है चीन के बीच में भाई। हाल ही में भारत की जिस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है भाई, सानिया मिर्जा ने। भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिस देश को बेचने का समझौता किया भाई, मॉरिशस को। ICC के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है, वो है भाई स्मृति मंदाना, बहुत बार आ चुका है इनका नाम। द गेट्स फाउंडेशन एंड ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने कोरोना से जंग के लिए जितने डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, 150 मिलियन डॉलर की भाई। ICC की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है, वो है मिताली राज और झूलन गोस्वामी ठीक है, वनडे महिला टीम में मिली है इनको। और स्मृति मंदाना को क्या, ये सर्वश्रेष्ठ T20 टीम में जिस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली है वो स्मृति मंदाना है ठीक है। ये ICC के अंदर जो वुमेन T20 टीम है उसमें मिली है इनको जगह ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है एक साथ इकट्ठा भाई ठीक है, 21 जनवरी को याद रखना आप, 21 जनवरी इसको तोड़ोगे ना 2+1=3 बन गया ना, इसको जोड़ोगे ना 2+1=3, तो 3 से याद रहेगा आपको, 3 स्टेट थी मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इजराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को जितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया, 3.4 अरब डॉलर इजराइल ने किया है, किसके लिए किया है, 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों खरीद के लिए, और किसके साथ किया है, जर्मनी के साथ, कब किया, 20 जनवरी 2022 को। कई क्वेश्चन आ गए एक लाइन के अंदर, ध्यान से देखते रहना। प्रतिवर्ष जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, NDRF का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 जनवरी ठीक है ना, 19 जनवरी को। ICC की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में जिन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, रोहित शर्मा, RR अश्विन और ऋषभ पंत, तीनों को मिली है भाई ठीक है। ये जो वो तो वुमेन की थी, ये मैन की है ठीक है हाँ। उसके बाद मॉर्निंग
कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कि विश्व की 13 नेताओं की सूची में जिसे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है, महात्मा गांधी के नाम पर भाई, मॉरिशस सरकार ने, ठीक है याद रहेगा, मां से मैसे शुरू हो गया मॉरिशस और ये मैसे महात्मा गांधी बस। जिस देश की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता रोबर्टा मेटसोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है वो है माल्टा। रॉबर्ट मेटसोला जो है इनको संसद का अध्यक्ष चुना गया है यूरोपीय संघ की। डेनिस ओलिपोव को जिस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो भारत के अंदर भाई, इनको रूस का नया राजदूत है भारत के अंदर कौन, डेनिस अलीपोव, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं उन्मुक्त चंद भाई, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में, ठीक है। हाल ही में जिस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन की कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है, अमेरिका ने, जिसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया, रॉबर्ट लोवांडोस्की, लोवांडो सॉरी रॉबर्ट लोवांडोस्की। हर साल जिस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो है भाई 19 जनवरी। देखो इसमें ना खेलों के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए ध्यान से इसको करें जरूर। उसके बाद जिस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है, विक्रम देव दत्त। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जिस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम था नारायण देवनाथ, कार्टूनिस्ट थे ये, कार्टून बनाते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है 54%, 50% से ज्यादा। परिधान निर्यात श्रम संवर्धन परिषद एईपीसी का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार गोयनका को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है, ओडिशा के अंदर। जिस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं, हरियाणा। अभी केस भी चल रहा था, आपने कल ही खबर आई है, कोर्ट ने रोक दिया था, लेकिन फिर ये सब बकवास होती है, ठीक है। कौन रोकेगा इसे, अच्छे काम से कोई नहीं रोकता, ये सब राजनीतिक चौचले होते हैं इनके, ठीक है, जानबूझ के भटकाने के लिए लोगों को, ध्यान ना जाए असली जो मेन मुद्दा है, मेन समस्या है, उसकी तरफ ध्यान ना जाए लोगों का, ऐसे बना के रखते हैं बेवकूफ अपने युवा पीढ़ी को। ये युवाओं जो हैं अपने थोड़ा सा ध्यान से रहें, सोचें अपने बारे में कि क्या हमारी जरूरत है, कोई हम भटका रहा है क्या समाज में, हमें गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, बुराइयों से बचें अच्छाई की तरफ जाएं, जल्दी से जितना हो सके अपनी नौकरी अचीव करें, नौकरी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाएं। उसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से जितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है 6। उसके बाद जो हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है ये गुजरात हाईकोर्ट। उसके बाद है हरियाणा सरकार ने जिसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है रेणु भाटिया, किया भाई राज्य महिला आयोग रेणु भाटिया। जिस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एवं कोलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया ये भाई मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। एमपी में अभी बहुत सारी चीज बची हुई है तो वहां पे जो है इसका निधन हो गया था, मतलब कि वहां पे वन जंगल वगैरह है अभी, ठीक है। उसके बाद हाल ही में जिस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का ये आपका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका नाम है एम के प्रसाद, पर्यावरणविद थे ये महान, घुमा फिरा के दे सकता है आपको कितनी वर्ष की उम्र निधन हुआ 89 वर्ष की उम्र में, क्या नाम था एम के प्रसाद, क्या थे वो पर्यावरणविद, ठीक है। हाल ही में जिस वरिष्ठ पत्रकार का हृदयघात की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है कमाल खान का भाई, ये वरिष्ठ पत्रकार थे, ये पहले भी आया क्वेश्चन एनडीटीवी में थे ये शायद, एनडीटीवी में, ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में देखा हमने, देखा नाम जाके। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है अविनाश पांडू को, खेल मंत्रालय ने किया है इनको, ठीक है। भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी, ये लो भाई ये तो जरूर याद रख लियो, क्या है इंडियन आर्मी के बिना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। उसके बाद उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल, अब जितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है भाई, 15 राज्यों में शुरू हो चुका है भाई ये, ठीक है, ऑनलाइन ई दाखिल पोर्टल, ऑनलाइन मतलब अपनी शिकायत दर्ज करो आप। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है, किसको, क्या भरत अरुण को भाई,
वह देश जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2700 करोड़ रुपए समझौता किया, फिलिपींस ने किया भाई, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश की मिसाइल है और ऐसी मिसाइल अब तक किसी ने बनाई नहीं है, ठीक है ना, याद रखना आप ये। भारत और जिस देश की ये ब्रह्मोस जो है तीनों जगह वार कर सकती है, जल, थल और वायु। भारत और जिस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है वो है भाई रूस। और देखो जो सैन्य अभ्यास हुए थे ना, सैन्य अभ्यास हुए थे जो, सैन्य अभ्यास पे मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो, भारत और दूसरे देशों के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, 2 से 4 मिनट की वीडियो होगा, आप देखना जरूर आप उसको, उससे भी कोई क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में जिसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो ये नाओमी ओसाक, महिलाओं के अंदर नाओमी ओसाक, ठीक है। तो ये थी आपकी जनवरी की पार्ट टू की वीडियो, हमने कंप्लीट कर दिया है पार्ट वन पार्ट टू, जनवरी का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल भी नहीं तैयारी करने से, तो हमने बहुत सारी जो है पॉइंट इसमें रिवाइज करवा दिए, एक लाइन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से करें उनको, ठीक है। अभी जिन बच्चों के जैसे SSC का एग्जाम है, CHSL का होगा आगे, CGL का होगा आगे, ठीक है, सभी में करंट अफेयर आएगा, तो सभी के लिए जरूरी है। ये UPSC की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, NDA की तैयारी कर रहे हो आप, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर जो है हर जगह आता है बच्चों। तो आप जो है, अगर कोई बच्चा इसको एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है इसको, तो वो भी इसके जो है ना इसकी कंप्लीट करे, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो SK Academy टीम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना, वहां पे हम PDF डालते रहते हैं, कोई बच्चा अगर PDF पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो PDF पढ़ लो डायरेक्ट जाके। अगर आप बुक लेके आए हो, वैसे मैनुअल आपके पास बुक है तो चलो अच्छा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप सुनो भी और पढ़ो भी, ठीक है ना। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट जो है, इससे लास्ट मंथ की जो है दिसंबर का जो करंट अफेयर है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।